नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। हमने ऑलरेडी कॉमोडिटी ट्रेडर, बेस्ट ट्रेडर माइकल मार्कोस के ऊपर एक बायोग्राफी लेके आए थे, जिसमें बहुत सारा आपने प्यार दिया और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी है। जिन लोगों ने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो वाला वीडियो जरूर देख लें। अभी हम बात करने वाले हैं मशहूर स्टॉक ट्रेडर माइकल स्टेनहार्ड के बारे में। मैं हूँ प्रसाद, इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक का फाउंडर, और आज इनका बायोग्राफी कवर करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। आप अगर स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको माइंडसेट चेंज करना होगा। इंडिया में जो माइंडसेट है कि इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल, एक्चुअली प्रोफेशनल का ऐसा माइंड होता नहीं है। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, ट्रेड लेना, प्रॉफिट करना, फिर एग्जिट हो जाना। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें इनके बारे में जानेंगे। पहले इनका अर्लियर लाइफ जानते हैं। माइकल स्टैनहार्ड वाटसन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में 1960 में इनका ग्रेजुएशन हुआ। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं अपने टाइम के। उसके बाद वो फिर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट रिसर्च एनालिस्ट 1967 में क्लियर करते हैं। और जब ये जो दौर था 1960 और 1967 के दौरान, वो कुछ इंटर्नशिप और कुछ काम भी करते थे बैकग्राउंड में, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट साइकिल के ऊपर रिसर्च करते थे, एनालिसिस करते थे। तो इसमें भी उनका कुछ आइडिया था। ये जो पार्ट है 1960 से लेके 1967 में, ये जो वर्क एक्सपीरियंस है, ये अपने इंटरव्यू में कहा है, तो ये शायद आपको कहीं बुक के अंदर ही मिले। और इस ट्रेडिंग जर्नी के बाद उनके फादर उनको तकरीबन कुछ शेयर्स दिए थे, 200 शेयर्स दिए थे कुछ स्टॉक्स के, जो उनको इंसिस्ट किया कि मार्केट की तरफ झुके और मार्केट में एनालिसिस शुरू करना वो चाहे थे। बहुत ही मजेदार इंसान थे। जब इनके बहुत ही मतलब फनी कैरेक्टर रह चुका है इनके पास में, इनके जोक्स आज भी वॉल स्ट्रीट में कहा जाते हैं। तो ट्रेडिंग जर्नी में मैं आपको बता दूं इनके बारे में, क्यों मैं इतना एक्साइटेड हूँ इनके बारे में बताने के लिए। अगर आप इनको पैसा देते 20 सालों के लिए, इनका कैरियर शुरू हुआ था 1967 में और 1988 के अंदर इन्हें रिकॉर्ड वाला पैसा बनाया था। आपका $1,000 को देते तो 93,000 डॉलर बनाते सिर्फ 20 साल के पीरियड। 20 साल में इन्होंने 93 टाइम्स बना दिया पैसे को। वहीं आप अगर इंडेक्स में पैसा डालते, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स में, S&P 500 में, तो आपका $1,000 सिर्फ $6,400 बनता। तो यहाँ पर जो पैसा 6 गुना बन रहा है, वहां पर 93 गुना बना दिया इन्होंने। तो अगर परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखा जाए तो स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स इन 20 सालों के अंदर 8.9% CAGR में ग्रोथ हुआ है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 8-9% के अंदर रहा है, डिविडेंड इंक्लूडेड। वहीं पे माइकल स्टैनहार्ड का तकरीबन 30% का एनुअल ग्रोथ रहा है 20 साल कंटिन्यूअसली। अगर इनका फीस निकाल दिया जाए तो तकरीबन 25-26% का एनुअल रिटर्न, बहुत ज्यादा है। आपको अगर पता नहीं है, मैं बता दूं, वॉरेन बफेट का अपने लाइफ में एवरेज जो है 19% कुछ है, मतलब 20% का भी एवरेज नहीं है। ये 30% में कंटिन्यूअसली कंपाउंड करते गए पैसे को, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है इनका। जो स्टैनहार्ड पार्टनर था फार्म, उनमें इनके दो साथी थे साइन और ब्रेकविट। ये दोनों फार्म छोड़ दिए 1970s में, वो कुछ दूसरे तरह के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के तरफ चल पड़े और ये अकेले चल पड़े अपना कंपनी आगे लेके। इनका इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनका जो आइडिया है, लोग मतलब हम जो ट्रेड करते हैं, हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलग है, प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए पैसा कोई नहीं बना पा रहा है। यूट्यूबर बहुत भरे हुए हैं जो बता रहे हैं कि इंट्राडे कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं, पोजिशनल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर जो प्रोफेशनल को फॉलो करके माइकल मार्कुस को आप बायोग्राफी देखिए, उनका ट्रेडिंग स्टाइल, इनका ट्रेडिंग स्टाइल सीखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो इनका एक लाइफ एक्सपीरियंस है सेलिंग में, ये कैसे बनाते थे। जनरली ये शॉर्ट सेलर थे, स्टॉक को सेल करते थे, नीचे आने पर खरीदते थे। शॉर्ट सेलिंग इनका बहुत पसंद था। और इंटरव्यू में जब इनको पूछा गया कि सर आप कैसे ट्रेड करते हैं, तो बोले कि मुझे ट्रेडर मत कहो, मैं
इन्वेस्टमेंट टाइप का ट्रेड करता हूँ, मुझे अच्छा पैसा चाहिए, मैं थोड़ा लंबा ट्रेड करता हूँ, तो ये ट्रेडिंग का जर्नी थोड़ा लंबा रहता है और मैं इससे बहुत काफी अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। तो ये साइकोलॉजी जो है ट्रेडिंग का, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इनका क्या है। जेनटेक करके एक कंपनी थी जिसने टीपीए इंजेक्शन इनोवेशन दिया था, मतलब ये प्रोड्यूस किया पहली बार। ये था क्या ना, ये ब्लड में जो क्लॉट आता था उसको डिसॉल्व करने के लिए काम आता था। तो सर में चोट लग जाए तो ब्लड क्लॉट होने की वजह से लोग कोमा में चले जाते थे, तो ये पहला मेडिसिन ऐसा था जो ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करता था। तो ये मेडिसिन का इतना हाइप होने लगा, इतना हाइप होने लगा कि ये शेयर्स बहुत ही ओवर वैल्यूड होने लगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ये बताते हैं कि मुझे ये ड्रग उतना रेयर नहीं लगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला कोई भी बना सकता है, तो आने वाले समय में ये रेयर हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो न्यूज है, ये जो हाइप है, ये आने वाले समय में डिस्काउंट हो सकता है। इसलिए ये इसने इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस स्टॉक को शॉर्ट कर दिया। कितने में? $27 में शॉर्ट किया, जून 1988 में। ठीक है, तो सेलिंग कैसा है देखिए, आपको यहाँ पे मजा आएगा क्योंकि हम लोग बहुत ही छोटा छोटा ट्रेड करते हैं, हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलग रहता है। यहाँ पे इन्होंने कैसा पैसा बनाया देखिए, $27 में इन्होंने सेल किया 1988 में, वो हाई गया $65 का। समझ में आ रहा है सर, $27 में आप शॉर्ट करते हो, 65 चला जाता है सर, डबल से ऊपर। फिर भी वो शॉर्ट में बने रहते हैं और ऊपर जाके और बड़ा पोजीशन बनाते हैं, और जैसे वापस आता है ये फिर से गिरता है $15 में, और ये कवर करते हैं अपना सारा लॉस, रिकवर करके बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। तो अभी आप जो स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन कैटेगरीज में किस में डालेंगे मुझे पता नहीं। ट्रेडर जो होता है उसको प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट निकालता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आज चाहिए कल चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए महीने भर में या साल भर। ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि जनरल लोग क्या करते हैं, उनका जनरल लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो वो शॉर्ट नहीं करते जब तक उसमें बियरिश ट्रेंड कुछ दिखाई ना दे। उसी तरह अगर शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है वो बाय नहीं करते जब तक अपवर्ड ट्रेंड कभी तक दिखाई ना दे। लेकिन यहाँ पे ये पूरा अलग कहते हैं, ये कहते हैं कि मेरा एटीट्यूड पूरा डिफरेंट है, मैं लोगों के अगेंस्ट में खड़ा होना पसंद करता हूँ, मार्केट के अगेंस्ट में खड़ा होना पसंद करता हूँ। हो सकता है मुझे मार्केट घसीट के कुछ दूर ले जाए, लेकिन वहां पर ही पैसा बनता है। मार्केट जब रिवर्स होता है तब पैसा बनता है, लेकिन मार्केट रिवर्स होने के बाद आप अगर एंट्री करते हो तो आपका पैसा नहीं बनता। तो ये ऐसे टाइप के ट्रेडर हैं जिन्हें आप रिवोल्यूशनरी ट्रेडर का इनकलाब ट्रेडर बोल सकते हो। ये इनकलाब के टाइप के हैं, जैसे कि ट्रेंड एक तरफ चल रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट में छाती खोल के खड़े हो गए कि नहीं, मार्केट यहाँ से वापस जाएगा। ठीक है, तो जनरली ये स्टॉक में ही ट्रेड करते थे और फंडामेंटल के ऊपर इनका फोकस था। ये पूरे डिफरेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये डिफरेंट है। क्यों ये डिफरेंट है बताते हैं, वो फंडामेंटल में बिलीव करते थे और वो फंडामेंटल में बिलीव करके शॉर्ट या बाय करते थे, लेकिन कभी कभार ये सिचुएशंस में देके छोटे मोटे ट्रेड अल्टरनेट भी कर सकते थे। तो इनका ये कहना है कि मैं मार्केट के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, लेकिन फंडामेंटल फोकस रहता है मेरा जब भी मैं ट्रेड करता हूँ। हाँ, अभी देखिए आपको मैं जब फंडामेंटल फोकस बोल रहा हूँ तो आप लोग ट्रेडर हो, लेकिन फंडामेंटल्स ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, हम तो चार्ट देख के ट्रेड करते हैं। यहीं पे ये बताते हैं, इनको इंटरव्यू में पूछा गया कि आप चार्ट को कैसे फॉलो करते हैं, तो ये बोलते हैं कि चार्ट मुझे समझ में नहीं आता, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ चार्ट देखता हूँ तो। ठीक है, तो मैं सिर्फ प्राइस को देखता हूँ, प्राइस को अगर गौर से आप देखो तो उसका ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए इतने बड़े ट्रेडर हैं, मैं जैसे कमोडिटी ट्रेडिंग में माइकल मार्कोस को लेके आया था, उसी तरह स्टॉक ट्रेडर में ये सबसे नंबर वन है, आप गूगल कर सकते हो उनके बारे में। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैं चार्ट ही नहीं देखता, खत्म। आप लोग जिस चीज को बार बार सीख रहे हो, जिस चीज को सीखने के लिए पे कर रहे हो,
ये बोल रहे हैं कि वो चीज मैं देखता ही नहीं हूँ। चलिए आप वैसा मत कीजिए, इनका अलग सेंस था, आपको चार्ट है, चार्ट समझ में आ रहा है तो आप कीजिए, कोई बात नहीं। और इनका सबसे चीज मुझे अच्छी ये लगा कि जैसे कि इन्होंने बताया कि प्राइस वो जिसमें फोकस करते थे कि नहीं ये स्टॉक में, जैसे कि हमने वो पिछला स्टॉक लिया मेडिसिन का, तो उसमें उनका फोकस था। उसके अलावा अगर उनके साइड में और कोई स्क्रिप्ट बढ़ जाता है, $10 से $40 जाता है, तो इनका उधर नजर जाएगा क्या? ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था, लेकिन वहां पे इन्होंने बता दिया कि नो, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, मैं किसी के तरफ नहीं देखता, मैं सिर्फ फंडामेंटल पे फोकस करता हूँ, न्यूज पे फोकस करता हूँ, इंडिकेशन जो आता है वो मेरा एनालिसिस खुद का होता है, उसमें मैं ट्रेड करता हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि चार्ट नहीं देखता है लेकिन ट्रेडर कैसे ये बन गया है, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगा। इनका स्ट्रैटेजी कैसा था, देखिए एक बार एक न्यूज आया कि तंबाकू इंडस्ट्री के ऊपर क्या हुआ है, एक लॉ सूट हुआ है तंबाकू इंडस्ट्री के ऊपर, एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर लॉ सूट हुआ है। तो ये सुन के लोगों ने क्या किया, इस कंपनी को सेल करने लगे, बहुत जोरों से सेल करने लगे, और इसका शेयर प्राइस बहुत जोरों से गिरने लगा। ठीक है, यहीं पे जैसे प्राइस गिरता गया, इन्होंने बहुत नीचे जब चला गया तो एक बड़ा सा लॉट खरीद लिया। लोग समझ नहीं पाए कि अरे ये बाय क्यों कर रहे हैं, तो कुछ सवाल इनको भी गए जर्नलिस्ट के, यहाँ पर तो सेलिंग पोजीशन बनना चाहिए, आप बाय पोजीशन क्यों बना रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि मार्केट क्राउड के अगेंस्ट में आप अगर खड़े होते हो तभी आपको पैसा बनता है। तो यहाँ पे एनालिसिस क्या है इनका, जैसे कि जनरली एक कंपनी का अच्छा न्यूज आता है तो हम क्या करते हैं, उसको बाय करते हैं, खराब न्यूज आता है तो सेल करते हैं। यहाँ पे खराब न्यूज है, हमारे तंबाकू इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन इनका ये मानना है कि तंबाकू इंडस्ट्री के ऊपर कोई केस आज तक जीता गया है क्या? नहीं जीता गया है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा टैक्सेस देते हैं, गवर्नमेंट के फेवर में होते हैं, तो इनके ऊपर जितने भी आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, वो ज्यादा समय नहीं टिकती। तो ऐसा ही हुआ और शेयर प्राइस में रिटर्न हुआ और यहाँ पर भी वो बहुत पैसा कमाए। तो स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है, स्ट्रैटेजी ये फंडामेंटल्स को फोकस करते हैं कि कंपनी में स्ट्रेंथ है या नहीं, और अगर खराब न्यूज है तो वो गिरता है तो उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं बाय करके। उसी तरह अगर शेयर कोई बहुत ही जोरों से बढ़ रहा है और उनको पता है कि इसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है, जिस वजह से ये प्राइस बढ़ रहा है, ये वो एक हाइप है, तो ये शॉर्ट सेलिंग के टाइप शायद शॉर्ट सेलिंग में खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने कभी लॉस नहीं किया, अपने लाइफ में ऐसा एक बार टाइम आया था इन्होंने बहुत सारा लॉस किया, 20% तक एक मंथ में डाउन हो गया था, ये आफ्टर 1988 की बात के बारे में है। ये बॉन्ड मार्केट में अपना बहुत बड़ा पोजीशन बनाए थे, इंटरेस्ट रेट के चेंजेस होने के कारण इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन उसी दौरान भी लोगों ने उनको पूछा कि आप अभी क्विट करना चाहते हैं, तो इन्होंने कुछ पैसे अपने क्लाइंट्स को लौटा भी दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हार गए थे, उनको समय चाहिए था कि खुद और कुछ काम करे और कुछ चीजों में ध्यान दे, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा साइड हो गए थे। उनको बार बार पूछा गया कि आपको लगता है कि आपका परफॉर्मेंस खत्म हो गया, आगे नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं समझ सकता हूँ मैं क्या हो रहा है, मैं कर पा रहा हूँ, तो फिर से ये रिटर्न किए थे और बहुत अच्छा पैसा कमाए थे। मैं उनका जो लर्निंग्स है, मैंने जो बुक्स में लिए हैं उनमें से सबसे अच्छा लर्निंग क्या है, ये बता रहे हैं कि पहले लॉन्ग टर्म ट्रेडर थे जो कि अभी धीरे धीरे शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन रहे हैं, और जो इन्वेस्टर थे वो धीरे धीरे वाइज बन जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। दूसरी बात उन्होंने बताया कि अगर कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो सामने वाला बेच रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है वो बेच क्यों हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन उसके पास है जो मेरे पास नहीं है, इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। मार्केट में हमेशा पैटर्न चेंज होते रहते हैं, साइकोलॉजी चेंज होता रहता है, फेज चेंज होता रहता है, तो सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो मार्केट के हिसाब से वो अपना अप्रोच बदलते रहता है। अगर कोई भी ट्रेडर उसका एक फिक्स अप्रोच रहता है, फिक्स फॉर्मूला रहता है जिससे पैसा कमा पाए, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर वैसा कोई फॉर्मूला बनाकर भी ट्रेड कर रहा है तो वो ज्यादा दिन मार्केट में नहीं टिकेगा। ये जो पॉइंट है
नए पुराने जितने भी ट्रेडर हैं जो पैसा बना पा रहे हैं और नहीं बना पा रहे उनके लिए है। ये बात समझिए कि जो भी लोग पैसा बना रहे हैं कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जिस स्ट्रैटेजी से बना रहे हैं। हर हर समय बदलता रहता है सिचुएशन, सिचुएशंस के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। हर ट्रेड नया है। ये बिहेवियर एनालिसिस में हमारे क्लास में पढ़ाते हैं। हम स्टॉक्स के ऊपर, कमोडिटी करेंसी के ऊपर एक कोर्स दे रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर एक कोर्स दे रहे हैं और फॉरेक्स के ऊपर कोर्स दे रहे हैं। और इन तीनों में एक कॉमन हिस्सा है बिहेवियर फाइनेंस। लोगों को जो ऐसा लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग में कुछ है, जैसे कंप्यूटर बिठा दिए पैसा बनने लगता है, तो हर कोई अपने घर में कंप्यूटर बिठा देता है स्ट्रैटेजी के साथ और पैसा बनाता है। नहीं, मार्केट में स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। ये मेरा वीडियो, आप अगर मेरे चैनल में जाएंगे, चैनल में सबसे टॉप में जो वीडियो चलेगा आपका ऑटोमेटिक, वहां पे मैं बताता हूँ कि मार्केट चेंज होता है तो आपका अप्रोच भी चेंज होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है उनका। उस टाइम में ये मैं बिजनेस है, ये कोई लॉटरी की जगह नहीं है। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में अभी आ रहे हो तो समझ लीजिए कि यहाँ पर पहले से ही 10-10, 20 सालों से कोई लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट को पूजा कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भगवान मान लिया है। तो वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंस हैं, बहुत ही प्रोफेशनल हैं। तो उनसे जीतने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आपने अभी एंट्री लिया, 6 महीने हुए, 1 साल हुआ और आप स्किल बनकर पैसा निकाल लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इनके शुरुआती समय में भी इन्होंने अपने पापा के साथ जाके बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए थे जो कि इनके टाइम में बहुत उनका हेल्पफुल हुआ था। नेक्स्ट, कुछ लर्निंग्स मैंने पिक किए हैं उनके लाइंस में, मुझे जो अच्छा लगा, बढ़ रहे हैं और आपने शॉर्ट कर लिया, फिर भी बढ़ रहे हैं, तो इसको एवरेज करने के लिए दूसरा शॉर्ट या फिर दूसरे कंपनी, पेपर कंपनी के ऊपर शॉर्ट करके अपना लॉस को कंपाउंड मत कीजिए। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी को खत्म कीजिए, उसको गड़बड़ी ना करे कैसे उसके ऊपर काम कीजिए। चीज मुझे अच्छा लगा कि ये स्टॉप लॉस या टारगेट, ब्रेकआउट, वीकनेस, ट्रेंड के ऊपर भरोसा नहीं करते। ये हमेशा चार्ट को ही नहीं देखते, ये हमेशा देखते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या हैं, उसके हिसाब से फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से ये ट्रेड लेते हैं। कभी शॉर्ट साइड में, कभी बाई साइड में, मैक्सिमम इनका शॉर्ट साइड में ही ट्रेड रहता है। और जैसे ही मार्केट में चेंजेस आता है और ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और सबसे अच्छा जो पॉइंट है, ये अपना कवर, अपना पोजिशन, ये अपना पोजिशन तुरंत ही कवर कर लेते हैं। कब? जब जिस न्यूज के इंतजार में ये ट्रेड किए हुए हैं। जैसे कि मैंने तंबाकू का एग्जांपल दिया, तंबाकू के ऊपर लॉस उठ हुआ है तो इन्होंने प्राइस गिरा तो इन्होंने खरीदा, और जब न्यूज आया कि नहीं, जो लॉ, जो केस दर्ज किया गया था वो खारिज कर दिया गया, तो शेयर प्राइस बढ़ता है तो तुरंत एग्जिट कर जाते हैं। ये बोलते हैं कि अगर न्यूज बाहर आ गया तो गेम खत्म हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, जो नए ट्रेडर हैं, नए इन्वेस्टर हैं, न्यूज आने के बाद अपना ट्रेड लेना शुरू करते हैं, जबकि न्यूज को डिस्काउंट कर देता है मार्केट। अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी हम फंस जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए। ये जो टोटल इनका जो बायोग्राफी है, मैंने लिया है द मार्केट विजर्ड्स में, बहुत अच्छा बुक है। और ये है उनमें से इनका लर्निंग्स, इनका बायोग्राफी मैंने पढ़ के लिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपके ट्रेडिंग स्किल्स में जो आपका माइंडसेट था कि मुझे इंट्राडे करना है, पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग, प्रोफेशनल ऐसा नहीं सोचते, इसमें कुछ चेंजेस आया होगा, बिहेवियर एनालिसिस में कुछ चेंजेस आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्त, भाई, जो कोई भी है ट्रेड कर रहे हैं उनको भेजिए और उनको बताइए कि नहीं, प्रोफेशनल कैसा पैसा बनाते हैं। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में शेयर करें कि कैसा लगा। ये हमको एंकरेज करता है और आने वाले समय में और ऐसे बायोग्राफीज लेके आऊंगा जिससे आपको सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।